गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल के साथ। मोटिवेशनल कोट अपना पहले, जैसे समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती है, वैसे ही ज्ञान की गहराई भी नहीं मापी जा सकती है। जस्ट एज द डेप्थ ऑफ द ओशन कांट बी मेजर्ड, द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑल्सो कांट बी मेजर्ड। जितना हो सके आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिलीज, टू रिलीव फ्रॉम समथिंग डेट कन्फाइंस बर्डन्स और ओप्रेस, छूट देना किसी संदर्भ में कुछ चीजों के साथ में। रिग्रेस, वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, जो काफी सख्त हो। ओवरकम, टू डिफीट समवन और समथिंग, किसी को हरा के आगे बढ़ना। फ्यूअर, ए स्मॉलर नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, कुछ। रिस्ट्रिक्शन, ए लॉ और रूल दैट लिमिट्स और कंट्रोल समथिंग, एक लॉ कानून या फिर कोई नियम कायदे जो कि हमें कंट्रोल करते हैं, जो लिमिट लगाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, काम नहीं करना चाहिए। कंटेजियस, ट्रांसमिसिबल बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो किसी के पास में होने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जो फैलती हो बीमारी हो, जो कोई बीमार आदमी हो तो उसके थ्रू जो ट्रांसमिशन हो। छुआछूत, डिसअपियर टू डाई और गो अवे कंप्लीटली, या तो कोई मर गया या काफी दूर चला गया। रिस्टोर, टू पुट और ब्रिंग बैक इनटू एग्जिस्टेंस और यूज, किसी चीज को वापस पाना। बेयरिंग अदर देन समवन और समथिंग के बावजूद। कंटेनमेंट, द एक्ट प्रोसेस और मीन्स ऑफ कीपिंग समथिंग विद इन लिमिट्स। लव, टू प्रेज समवन और समथिंग, प्रशंसा करना। कर्व, टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, काबू करने के सेंस में। रिटेन, टू कीप इन पोजेशन और यूज, हासिल करना। पेस, रेट ऑफ मूवमेंट, गति। सेफगार्ड, ए प्रिकॉशनरी मेजर स्टिपुलेशन और डिवाइस। Inevitable, incapable of being avoided or evaded, इस चीज को टाला ना जा सके। Stipulation, a condition, requirement or item specified in a legal instrument. Civic, relating to citizenship or being a citizen. Suspension, the act of stopping or delaying something for a usually short period of time, कुछ समय के लिए किसी चीज को रोकना। Gathering, an occasion when people come together as a group. Crowd, a large number of persons, especially when collected together. Protocol, a system of rules that explain the correct conduct and procedures to be followed in formal situations. Adherence, the act of doing what is required by, वो काम करना जो उस टाइम पे जरूरत हो। रिलैक्सेशन, द एक्ट ऑफ रिलैक्सिंग और स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स, छूट। अब्सेंस, ए फेलियर टू बी प्रेजेंट एट ए यूजुअल और एक्सपेक्टेड प्लेस, कमी उस जगह पे किसी चीज की होना। प्रिवेंशन, द एक्ट और पेशेंस ऑफ कीपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यूनिवर्सल एग्जिस्टिंग और ट्रू एट ऑल टाइम्स और इन ऑल प्लेसेस, जो हर जगह हो सही ही। रिकॉग्नाइज, टू एक्सेप्ट और टू बी अवेयर दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट। प्रिकॉशन, ए मेजर टेकन बिफोर हैंड टू प्रिवेंट हार्म और सिक्योर गुड। आप इसको ये कह सकते हो, जैसे वो आता है ना कि
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रिलंकटेंट, फीलिंग और शोइंग डाउट अबाउट डूइंग समथिंग, डाउटफुल कह सकते हो इसे आप। एडजर्न, टू सस्पेंड इनडेफिनेटली और अंटिल ए लेटर स्टेटेड टाइम, स्थगित करना। माइग्रेंट, ए पीपल ए पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली टू फाइंड वर्क। इंटरिम, ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन इवेंट्स, बीच में ही। डेस्परेट, हैविंग लॉस्ट होप, जो उम्मीद खो दे। वास्ट, वेरी ग्रेट इन साइज, बहुत बड़े साइज में, अमाउंट में, डिग्री में, इंटेंसिटी और स्पेशली इन एक्सटेंट और रेंज। पेरिश, टू डिसअपियर और बी डिस्ट्रॉय, यानी गायब हो जाना या खराब हो जाना। डिसेंट, बीइंग मॉरल एंड गुड। एक्सपेट्रिएट, टू लीव वंस नेटिव कंट्री टू लिव एल्सवेयर, यानी अपनी कंट्री को छोड़ के जो दूसरी कंट्री में गए हुए हैं। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन और नॉन बिफोर, जो ना पहले कभी किया था ना पहले किसी को पता था। विजिल, एन एक्ट ऑफ कीपिंग वॉच स्पेशली व्हेन स्लीप इज यूजुअल, उस समय किसी चीज पर देखना या नियंत्रण करना जब नींद भी जरूरी हो। लिगेसी, ए गिफ्ट बाय विल स्पेशली ऑफ मनी और अदर पर्सनल प्रॉपर्टी, जो हमें विरासत में मिली हो। डेंसिफिकेशन, एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है, वो बढ़ाना। रैम्पेंट, ग्रोइंग क्विकली एंड इन वे दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बहुत तेजी से बढ़ना और उसको फिर नियंत्रण करना भी मुश्किल हो। डिके, टू डिक्लाइन इन हेल्थ और स्ट्रेंथ, किसी के स्वास्थ्य में या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आना। पेवमेंट, द हार्ड सरफेस ऑफ रोड, फुटपाथ कह सकते हो, पटरी। एम्फेथेटिकली, स्पीकिंग और एक्टिंग इन ए फोर्सफुल वे, एकदम बलपूर्वक कहना। रेमेडीज, ए वे ऑफ सॉल्विंग और करेक्टिंग ए प्रॉब्लम, दवाई कह सकते हो या फिर उपाय कह सकते हो उसके सेंस में, उसको सही करने का तरीका किसी प्रॉब्लम को। तो ये थे हमारे आज की वोकैब, तो अब स्टार्ट करते हैं जो आज का द हिंदू का आर्टिकल है उसको। तो जो आर्टिकल है उसका टाइटल है स्लो रिलीज, धीरे धीरे छूट दी जा रही है उसके सेंस में। ए लेस रिग्रेस लॉकडाउन डजेंट मींस, कहने का मतलब यह है कि कम जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है उसका मतलब ये नहीं है कोविड 19 हैज ओवरकम, कि कोविड 19 खत्म हो गया है, चला गया है। तो ये टाइटल है, आप नीचे स्टार्ट करते हैं इसको। बैलेंसिंग लाइफ एंड लाइवलीहुड, रोजमर्रा की जिंदगी और लोगों की जो लाइफ है उसको बैलेंसिंग करते हुए, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड, केंद्र ने एक्सटेंड किया नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड 19 फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए, फ्रॉम 4 मई से, विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में कुछ एक्टिविटीज पे, बट द हाईली कंटेजियस वायरस हैज नॉट डिसअपीयर्ड, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो हाईली जो एकदम टच करने से और जो इन्फेक्शन लोगों से फैल रहा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, वो अभी तक गायब नहीं हुआ है। एंड द वीक्स अहेड, और आने वाले हफ्तों में एक चुनौती भरा होगा स्टेट्स के लिए, चैलेंज होगा एक। दे मस्ट एंश्योर दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, और उनको ये एंश्योर करना पड़ेगा या चाहिए कि जो उन्होंने लाभ हासिल किया लॉकडाउन से इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली, किसके संदर्भ में कम जो मौत हुई उसमें, और जो गैप ऑन न्यू केसेस में आर नॉट रिवर्स, और जो लिमिट लगी थी न्यू केसेस में कहीं वो रिवर्स ना हो जाए ओवरनाइट, रात भर में ही, इन द रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन, वेयर नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग डिग्री इज टू बी रिस्टोर्ड, जहां पे जो नॉर्मल लाइफ की जो डिग्री है वो हर जगह अलग अलग है, इसको रिस्टोर करना है। बेयरिंग द कंटेनमेंट जोन,
केरला लाउडेड फॉर इट्स सक्सेस, केरला ने अपनी तारीफ की है सक्सेस में इन कंटेनिंग द पेंडेमिक, जो इस महामारी को रोकने में जो वो सफल हुआ है उसके सेंस में, हैज चूजन टू रिटेन सम कर्व्स इवन इन ग्रीन जोन, और उसने ग्रीन जोन में भी कुछ रोक लगा रखी है अभी भी। अलॉन्ग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ करना, दो नॉट एट फुल पेस, और केवल कुछ एक्टिविटी को यहाँ पे अलाउ किया गया लेकिन पूरी गति से नहीं, एंड अंडर सेफ गार्ड के साथ, बस इनएविटेबल, जिसको कि टाला ना जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके। ऑल्दो द स्टिपुलेशन, जो कंडीशंस है इन होम मिनिस्ट्री ऑर्डर रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन, जो गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर आया है वो उसको फॉलो करने के लिए हाई डिग्री यानी व्यापक तौर पे लोगों का जो कोऑपरेशन चाहिए यानी सहायता चाहिए। द कंटिन्यू सस्पेंशन ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लगातार सस्पेंशन है यानी बंद है, रेलवे भी है एयर भी है, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले हैं वो भी, और अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, एंड द बार और मास गैदरिंग, और मास गैदरिंग जो विशाल रूप से जो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है उस पर भी अभी सस्पेंशन है, एंड द एंटरटेनमेंट वेन्यू रिमूव ए मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, इन सब के जो बैन होने से सस्पेंशन होने से जो बंद होने से जो एक मेजर सोर्स है जो क्राउडिंग का वो रोका गया है। ऑल्दो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पर्संस पैसेंजर्स, हालांकि रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे भी अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स एंड टैक्सी कैब, और टैक्सी कैब में भी, एंड द प्रोटोकॉल फॉर पर्सोनल इन इंडस्ट्रीज, एंड जो प्रोटोकॉल है फॉर पर्सोनल इन इंडस्ट्रीज कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू सक्सीड, उसको जरूरत है लोगों द्वारा मानने के लिए कि इसमें हमें सहायता मिल सके और सफलता मिल सके। अलाउंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स टू रीओपन, और जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स है यानी ओपीडी है उसको रीओपन किया जा रहा है, एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स को परमिशन दी गई है, इलेक्ट्रीशियंस को भी, एंड अदर टेक्नीशियंस टू वर्क विद सेफगार्ड आर वेलकम, और टेक्नीशियंस को भी कि वो काम करे कि सेफगार्ड के साथ उनका स्वागत है। द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज ग्रेटली, और जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है उसको आसान कैसे बनाया जाए, इफ स्टेट अडॉप्ट ए हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजंस क्लियरली कि वो लोगों तक पहुंचे और उनको बताए साफ साफ। इन द अब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, जब दवाइयों की जहां पे कमी है, प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन, वहां पे केवल प्रिवेंशन यानी बचाव ही केवल एक साधन है अगेंस्ट द वायरस। यूजिंग फेस मास्क को यूज करके नाउ मैंडेटरी कर दिया गया है, हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना और फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिकॉशंस, और यह हमेशा से ही एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिकॉशंस है, बचाव का साधन है, और अब तो यह हर जगह माना भी जा रहा है। सच मेजर्स वर अडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, हालांकि ये जो उपाय है ये भारत में देरी से अपनाए गए, विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलक्टेंट टू इवन अर्जेंट लेजिस्लेचर, विद पॉलिटिशियन इनिशियली रिलक्टेंट, क्योंकि उस समय इनको डाउटफुल था, ये डाउट में थे टू इवन अर्जेंट, हालांकि जो ये थी लेजिस्लेचर इसको भी स्थगित नहीं किया गया था। लीव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्व्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी, और छोड़ दिया गया था उनको ऐसे ही। इट हैज टेकन मोर देन ए मंथ टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स बैक, और एक महीने से ज्यादा का समय लग गया टेकन बैक टू देयर होम स्टेट बाय ट्रेन, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए थे उनको वापस अब अपने उसी राज्य में लाने के लिए ट्रेन से, इन द इंटरिम भी बीच में सेवरल डेस्परेट फैमिली, और जिन लोगों ने उम्मीदें खो दी थी हैव ट्राइड टू वर्क, उन्होंने कोशिश करी पैदल ही चलने की, अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस बहुत लंबी दूरी, एंड मैनी हैव पेरिश, और कुछ उसमें से काफी सारे रास्ते में ही मारे गए। बिसाइड्स एंश्योरिंग डिसेंट कंडीशन, बावजूद इसके जब जो वहां के जो राज्य जिस राज्य में वो रह रहे थे वहां पे यह दावा किया गया कि डिसेंट कंडीशन है फॉर दीज वर्कर्स, यानी अच्छी कंडीशंस हैं फॉर वर्कर्स एंड देयर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। स्टेट मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपैट्रिएट,
राज्यों को यह भी तैयारी करनी चाहिए कि जो बाहर गए हुए लोग हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड एल्सवेयर, जो वेस्ट एशिया और जो दूसरे विदेशों में की जगहों में रह रहे हैं, उनके भी उनको वापस बुलाने की भी तैयारी करनी चाहिए। दीज अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स एड टू द नीड टू मेंटेन द हाईएस्ट विजिल अगेंस्ट कोविड-19। और यह इस समय इतना प्रेशर जो कि ना पहले कभी हुआ था, ना किसी ने सोचा था, एड ये भी एड करता है कि जरूरत है टू मेंटेन द हाईएस्ट विजिल, यानी एकदम से इस पे वॉच रखने की कोविड-19 के खिलाफ। अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज, और जो बड़े शहर हैं विद लीगेसी, जहाँ पे उन्हें विरासत में मिली है मार्केट ड्राइवन हाउसिंग पॉलिसीज, अनप्लान डेंसिफिकेशन, रैम्पेंट पॉल्यूशन, व्यापक तौर पे पॉल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस आर रेड जोन। और जहाँ पे ये सभी है वो रेड जोन हो गए हैं विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स, और एकदम से बने हैं इन्फेक्शन के क्लस्टर। देयर डिके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, और जो उनकी हेल्थ में और जो उनकी फैसिलिटीज में कमी मार्क की गई है, क्योंकि वहां पे एब्सेंस है कॉमन्स इंक्लूडिंग पेवमेंट्स इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज, जो फुटपाथ है वहां पे भी लोग बग रहते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, और जहां पे डिस्टेंसिंग को बनाए रखना काफी मुश्किल है। दिस इज एन एप्रोप्रिएट मोमेंट टू स्टार्ट, और यह एक सही कदम है, टाइम है टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज, जो डैमेज हुआ है उसको सही करने का, ठीक करने का। व्हाट इज द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड एम्फेटिकली, पब्लिक क्या कहेगी एम्फेटिकली, इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन इज नॉट ए रिटर्न टू लाइफ, कि लॉकडाउन में कुछ छूट देना जिंदगी को वापस लाने जैसा नहीं है, एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस, की जो कोरोना वायरस से पहले थी। इट इज ए न्यू रियलिटी, वन डेट कॉल फॉर सेफ मेजर एक्टिविटी, और यह एक नई वास्तविकता है, वन डेट कॉल फॉर सेफ, जो कि हमें कहती है कि सेफ रहने के लिए, और मेजर एक्टिविटी। तो ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।